Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about tissue culture and chromatography. Tissue culture kya hai? It is a growth of a cell or a tissue on defined nutrient medium under sterile conditions. Isme kya ho raha hota hai ki cell ki growth ho rahi hoti hai ya kisi bhi tissue ki growth ho rahi hoti hai on a nutrient medium. अब न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा होता है कि जब हम सेल की ग्रोथ करवाते हैं तो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है. उसके अंदर क्या होता है, सेल की हम ग्रोथ करवाते हैं. और स्टीराइल कंडीशंस कौन सी होती हैं, जिस जो कि जर्म फ्री होती हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐड नहीं हो सकते, वो एंटर नहीं हो सकते, जो कि अनवांटेड होते हैं, यानी कि जिसके अंदर पीएच जो होती है, टेम्परेचर जो होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है बेस्ट टिश्यू कल्चरिंग के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, वो प्रेजेंट होती हैं कंडीशंस, ताकि जो सेल है वो ठीक तरीके से ग्रो कर सके. अब ये जो हमारे पास टिश्यू कल्चरिंग होती है, ये प्लांट्स के लिए भी हो सकती है और एनिमल्स के लिए भी हो सकती है. प्लांट सेल्स जो होते हैं वो उनका क्या होता है, टोटल पोटेंशियल होता है. यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी प्लांट जो है ग्रो करवाना है, ठीक है, अगर हमें एक प्लांट पसंद आ गया या अगर हमने एक प्लांट के जैसे डिफरेंट दो तीन चार आइडेंटिकल प्लांट्स बनाने हैं, तो एक जिस प्लांट से हमने डिफरेंट आइडेंटिकल प्लांट्स बनाने हैं उस प्लांट के अंदर टोटल पोटेंशियल होगा, या उसके अंदर पोटेंशियल मीन एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी कि वो दूसरे प्लांट्स को अपनी तरह सिमिलर उनको डिवेलप कर सके. तो यानी कि एक प्लांट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपनी तरह के आइडेंटिकल्स और प्लांट जो है वो जनरेट कर सकता है, उनको डिवेलप कर सकता है. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, अब अगर हमने इस प्लांट की तरह और सिमिलर आइडेंटिकल प्लांट्स जो हैं वो जनरेट करने हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमें इसमें टिश्यू कल्चरिंग करवानी है तो यहाँ से हम इसका लेट्स सपोज एक लीफ ले लेंगे, तो इस लीफ को हम किधर रखेंगे, यहाँ पे ग्लास कंटेनर के अंदर रखेंगे. अब इस ग्लास कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कि फ्लूइड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका जो सेल होगा, ये सेल क्या है, ये टिश्यू सैंपल हमने ये जो लीफ में से लिया है ये यहाँ पे हम प्रेजेंट होगा, ये न्यूट्रिएंट मीडियम में हम ऐड कर देंगे. तो ये जो टिश्यू सैंपल है ये क्या करेगा कि अपनी तरह के और सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, कि यहाँ पे सेल प्रेजेंट था, ये यहाँ से इस सैंपल में और सेल्स जो हैं ये इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक बंच फॉर्म हो जाएगा. अब जब इसकी तरह के और सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो जाएंगे इसके इर्द गिर्द, तो ये कैलस कहलाएगा, क्योंकि एज अ बंच जब ये क्रिएट होता है इस तरह के और सेल्स जो हैं ये इसमें फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर जाते हैं डिफरेंट सेल्स में, तो ये कैलस बन जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम इसके सेल्स को सेपरेट करेंगे, ये बंच जो है सेल्स का, जब ये ग्रेप्स की फॉर्म में जो ये फॉर्म हुआ है, इसके इन ग्रेप्स के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनको हम जब सेपरेट करते हैं, इन सारे सेल्स को, कैलस को सेपरेट करते हैं, तो फिर हम इनकी क्या करते हैं कि कल्चरिंग करवाते हैं, यानी कि इनसे फिर हम डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ करवा सकते हैं. कैसे करवा सकते हैं कि ये जो हमने जो सेल्स को सेपरेट किया हुआ है, जब हम इनको डिफरेंट जगह पे कल्चर करेंगे, ग्रो करवाएंगे, तो हर एक एक सेल से क्या होगा, डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो आइडेंटिकल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. अब यहाँ पे इस तरीके से टिश्यू कल्चरिंग जो है वो परफॉर्म होती है. प्लांट टिश्यू कल्चरिंग अलग होती है और एनिमल टिश्यू कल्चरिंग जो है वो अलग होती है. प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में क्या होता है, प्लांट क्लोनिंग हो रही होती है, जिसमें हम एक ही तरह के आइडेंटिकल प्लांट जो हैं वो टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू ग्रो करवा सकते हैं. एनिमल टिश्यू कल्चरिंग में क्या होती है, इट इज़ यूजली सेट अप बाय ग्रोइंग इंडिविजुअल सेल्स टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ओवर द सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर. लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग को, एनिमल टिश्यू कल्चरिंग को अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें, तो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हमें जो मीडियम होता है
उसके साथ साथ हमें जो कंडीशंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, यानी कि पीएच या टेम्परेचर है वो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो एनिमल टिश्यू कल्चरिंग होती है उसमें हमें काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि विटामिन होए, कार्बोहाइड्रेट्स होगी, प्रोटीन्स होगी, फिर हमें और भी अमीनो एसिड्स होगी, इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की टेम्परेचर की पीएच के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल टिश्यू कल्चर्स में क्या होता है कि दे आर यूजफुल टू सी एनी एबनॉर्मलिटी इन सेल, एग्जांपल कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब एनिमल टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि सेल को जब जो है ना हम उसकी टिश्यू कल्चरिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें हम कैंसर, जैसे कि अगर सेल के थ्रू अगर हम क्या कर रहे हैं उसकी कल्चरिंग कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कैंसर कॉज हो रहा है किसी भी सेल के अंदर, ट्यूमर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो अगर सेल जो है एबनॉर्मल है तो उसमें हम अनवांटेड जो सेल्स हैं उनके अंदर कैंसर कॉज हो गए, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है सेल बायोलॉजी के अंदर, इसमें क्या हो रहा होता है, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। इट इज़ जनरली यूज फॉर सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, लाइक क्लोरोफिल आ जाती है इसमें, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम एक सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर क्या करते हैं कि हम मिक्सचर को प्लेस करते हैं, और उस मिक्सचर को जब हम प्लेस करते हैं तो मिक्सचर में क्या होता है कि सैंपल होता है। अब मिक्सचर के अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब मिक्सचर जो है वो लिक्विड के अंदर जाता है तो उसके डिफरेंट जो कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ऐसी टेक्निक जिसके अंदर मिक्सचर को लिक्विड के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर प्लेस करने से जो कंपाउंड्स होते हैं उसके या जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाएं, तो ये प्रोसेस जो होता है, ये जो टेक्निक होती है, ये क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। अब उसमें हमारे पास फिर प्रोटीन्स आ जाती हैं, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आ जाते हैं लाइक क्लोरोफिल। अब इसमें एक एग्जांपल है या एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इट इज़ सिंपल एंड इज़ वाइडली यूज टेक्निक, क्योंकि ये अनएक्सपेंसिव होती है और इसमें स्मॉल क्वांटिटी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टू फेजेस, इसमें एक स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है। मोबाइल फेज में हम सॉल्वेंट मोबाइल फेज को कहते हैं और जो स्टेशनरी फेज होती है वो फिल्टर पेपर होता है। स्टेशनरी फेज विच इज सेल्यूलोज फिल्टर पेपर, अब जो फिल्टर पेपर होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है। एंड मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट इन विच सैंपल मिक्सचर इज डिजॉल्व्ड, तो सैंपल पेपर पे क्या होता है, मिक्सचर होता है। व्हेन द सॉल्वेंट ट्रेवल्स ओवर द पेपर द मिक्सचर सैंपल बिगिंस टू सेपरेट एज डॉट्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी, दिस पेपर इज देन कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेपर है, ये सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट है, ये हमारा फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर सैंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये फिल्टर पेपर यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर जाएगा, तो जब यहाँ पे इसे पास करेगा तो इसके ऊपर जो सैंपल है उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्यों सेपरेट होंगे, उनकी एफिनिटी की वजह से, एफिनिटी होती है लाइकलीहुड, तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे कि ये पार्टिकल्स जब यहाँ पे फिल्टर पेपर जब सॉल्वेंट में से पास करता है तो जब ये ट्रेवल करेगा यहाँ पे से, तो ये इसके ऊपर जो डॉट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये डॉट्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो सैंपल होता है वो क्या होता है, वो यहाँ से क्या होता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। उसमें ये जो मिक्सचर होता है, यानी कि जो सैंपल होता है वो मिक्सचर के तौर पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये जो सैंपल होगा, ये जो मिक्सचर होगा, ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से ये डॉट्स के फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाता है ऑन अ फिल्टर पेपर जब ये सॉल्वेंट में से पास करता है। तो ये जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक टाइप है क्रोमेटोग्राफी की। तो इसमें ये सब प्रोसेस हो रहा होता है, और ये जो पेपर होता है इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं। स्टेशनरी फेज होती क्या है, स्टेशनरी फेज क्यों कहा गया है फिल्टर पेपर को, क्योंकि स्टेशनरी फेज जो है वो होती है जो कि मूव नहीं करी, ठीक है,
और मोबाइल फेस वो होती है जो कि मूव कर रही होती है। तो हमारे पास स्टेशनरी फेस जो है वो फिल्टर पेपर है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो हमारा मोबाइल फेस है, ठीक है।